माननीय मंत्री महोदय। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय सीएस मैडम श्रीमती उषा शर्मा जी, एसीएस फाइनेंस श्री अखिल अरोड़ा जी, श्री कुलदीप काका जी एवं वैभव गैलरिया जी, सुश्री आरती डोगरा जी हमारे चीफ इंजीनियर्स एवं एमडी आरएसआरडीसी, एवं डीसी के माध्यम से जुड़े हुए समस्त राजस्थान से सम्माननीय मंत्रीगण, विधायकगण एवं अधिकारीगण, आज बहुत ही खुशी का माहौल है। और जिस तरीका से आज पूरे राजस्थान के अंदर 4,430 करोड़ की लागत से 131 कार्यों का जो हम शिलान्यास करने जा रहे हैं और तकरीबन 387 करोड़ के 22 सड़कों का हम लोकार्पण करने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा काम राजस्थान में सड़कों के तंत्र में हुआ है। पूरे 4.5 साल 8 माह के अंदर हम लोगों ने, जैसे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति है, क्योंकि तो राजस्थान क्षेत्र की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है और जिस तरीका से सड़कों की एक डिमांड थी बहुत बड़ी, गांव से गांव जोड़ने की, एनएच से शहर को जोड़ने की, तो गत 4 वर्ष 8 माह में हम 77.773 किलोमीटर की लंबाई में राज्य सड़कों का विकास एवं निर्माण किए जाने के लिए 49,062 करोड़ रुपए की लागत के 20,119 कार्यों की नवीन स्वीकृतियां जारी की गई हैं। सर, हमने नवीन स्वीकृतियों में राजमार्गों व मुख्य जिला सड़कों का विकास, आरओबी व आरयूबी का निर्माण, उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण जो सर आपकी बजट घोषणा थी, जो लाभान्वित हुए हैं, 2011 की जनगणना के सामान्य क्षेत्रों में 350 वो अधिक आबादी व जनजाति व रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 व अधिक आबादी के गांवों को जोड़ना, 2011 के बाद घोषित सामान्य क्षेत्रों में 500 व अधिक जनजाति और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 अधिक आबादी के गांवों को जोड़ना और मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, नॉन पेचर सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण सड़कों का नवीकरण की प्राथमिकता से समृद्ध है। और सर, हमने 4 वर्ष 8 माह में सड़कों के विकास पर 33,440 करोड़ रुपए का बहकर 66,337 किलोमीटर की लंबाई सड़कों का विकास तथा मिसिंग लिंक सड़कें, गांवों को जोड़ने वाली सड़कें, राजमार्गों व जिला सड़कों को चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण व नवीनकरण का, ग्रामीण सड़कों का नवीकरण कार्य पूर्ण किया गया। सर आपके बजट घोषणा अनुसार प्रत्येक विधानसभा के अंदर वर्ष 21-22 में प्रत्येक विधानसभा के अंदर 5 करोड़ रुपए, वर्ष 22-23 के अंदर और 23-24 के लिए आपने सर 10 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक और नॉन पेचर सड़कों के लिए सर जो जिम्मेदारी दी थी, और मेजर सड़कें जो हमारी एमडीआर हैं वो 5 सड़कों प्रत्येक जिले के अंदर सर आपने हमें बजट घोषणा में दी थी, उन सड़कों का आज कहते बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। और जिस तरीका से पूरे राजस्थान के अंदर वर्ष 2021-22 में राज्य में सड़कों की विकास की रूपता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले में 3 सड़कों को कुल 1948 करोड़ रुपए की लागत से 1926 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के विकास के लिए 99 कार्य स्वीकृत किए गए थे। सर, विकास की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 22-23 में भी प्रत्येक जिले में 3 सड़कों का कुल 3,133 करोड़ रुपए की लागत से 2,840 किलोमीटर की लंबाई सड़कों का विकास किए जाने के लिए 99 कार्य सर फिर स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 23-24 में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रत्येक जिले में 5 सड़कों को कुल 5,530 करोड़ रुपए की लागत से 4,903 किलोमीटर की लंबाई सड़कों का विकास किए जाने के लिए 165 कार्य स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 2021-22 में स्वीकृत लगभग सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और 22-23 में स्वीकृत कार्य गति पर है और वर्ष 23-24 स्वीकृत अधिकांश कार्यों के कार्यदेश जारी कर दिए गए।
सर नगरीय क्षेत्र के अंदर भी आपने सर हमें जिम्मेदारी दी और हमने आपके दिशा निर्देश अनुसार वो कार्य भी जो हमारे 21-22 के थे वो पूर्ण हो गए, 22-23 के थे तकरीबन वो हमने पूर्ण कर दिए और 23-24 के हैं सर वो कार्य भी हमने जारी आदेश कर दिए सर। और तकरीबन राज्य में जो सर सड़कों के विकास को आगे बढ़ाते हुए 1,701 किलोमीटर की लंबाई में 22 नवीन सड़क राजमार्ग 5,700 किलोमीटर लंबाई में 123 मुख्य सड़कें सर जिला घोषित की गई थी सर। और जो जिम्मेदारी सर आपने एक राजस्थान हाउस की दी थी 100 सबसे जो महत्वपूर्ण जो हमारी सौगात आपने दी थी जो बिल्कुल भारत की राजधानी है 158.54 करोड़ रुपए की लागत से सर वो काम भी पूरा प्रगतिरत है और जिस तरीका का सड़क तंत्र मजबूत हुआ है सर पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐतिहासिक कदम है और इस सड़कों के काम की पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर तारीफ हो रही है कि राजस्थान पर सड़कें बहुत ही अच्छी सड़कें बन रही हैं और जिस तरह की सड़कें बन रही है हर आदमी व्यक्ति राजस्थान का नागरिक उसकी तारीफ करता है सर। और मैंने पहले भी कहा था आप सभी से सर यह आ रही है कि जो सड़कें हमारी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं चाहे वो स्टेट हाईवे हैं वो सड़कें बहुत अच्छी क्वालिटी की बनी हैं और ग्रामीण इलाके के जो हमारी आम जनता है अब उन स्टेट हाईवे के रोड्स और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स से वो बहुत बन गए, प्रत्येक गांव में होके जा रहे हैं और गांव की सड़क से उसकी तुलना करने लग गए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की। ये सड़क तो ऐसी बन रही है क्योंकि उसका एस्टीमेट हमारे जनरल एस्टीमेट अलग होता है और उसका जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है उसका हमारा जनरल एस्टीमेट अलग होता है क्योंकि वो लोड के ऊपर डिपेंड होता है, उसमें भारी व्हीकल्स निकलते हैं और उसमें कम व्हीकल्स निकलते हैं। और निश्चित तौर पर सर अब जो गांव में परेशानी थी नौजवानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा ये है जो शिक्षा की जगत में जो गांव-गांव आपने स्कूल खोले हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं तो सड़कों का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि बच्चों को साइकिल से या किसी साधन से जाना पड़ता है, जब कच्चे रास्ते होते हैं सर तो हमें उनके कपड़े बैग्स बरसात के दिनों में इनमें बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। पर अब गाँव से गाँव जोड़ के सर आपने जो बहुत बड़ा तोहफा दिया है और खासकर जो जनजातीय क्षेत्र है जो मरुस्थली क्षेत्र है उसमें 250 की जो आपने शिथिलता दी है उससे ग्रामवासियों को और वहाँ की आम जनता को बहुत बड़ा लाभ मिला है सर। हम लोग मानगढ़ गए थे और मानगढ़ में वहाँ जो ट्राइबल क्षेत्र है सर वहाँ मैं रुका था एक दो दिन तो वहाँ की आम जनता से भी मुलाकात हुई थी तो उन जो ग्रामीण की सड़कें हैं उनकी बहुत लोग तारीफ कर रहे थे, इनसे हमारे यहाँ की ढाणियाँ जुड़ गई, उनसे बहुत बड़ा फायदा मिला है सर। और मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर भी जो दूर दराज की ढाणियाँ होती हैं वो जुड़ रही हैं तो उनसे भी उन लोगों को पढ़ाई में और उसमें क्योंकि किसान को ज़्यादातर फसल अपनी शहर की वो ले जानी पड़ती है और उसको वहाँ बेचना होता है कृषि उपज मंडी में तो साधन होते हैं तो वो फिर उनका समय की बचत भी होती है और सर पैसे की बचत भी होती है। ये बहुत बड़ा काम सर सड़कों का राजस्थान हुआ है आपके दिशा निर्देशन सर। और सर सबसे बड़ी बात है सर हमारी जो मैन पावर है चाहे वो जेई है चाहे एई है चाहे हमारे एक्सियन है चाहे एसी है सर हमें मतलब मैन पावर पूरी है, कोई दिक्कत नहीं सर। और अभी हम पूरी तरह से हमारे तकरीबन पद बढ़े हुए हैं और सर मुझे लगता है और भी स्वीकृति आपने हमें प्रदान की है तो निश्चित तौर पर मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और सर और मैं सभी अधिकारियों ने हमने ये आदेश भी दे दिए सर कि अभी जो बरसात के दिनों में जो हमारी सड़कें हैं जो डीएलपी में है वो तो डीएलपी में है ही है तो जो डीएलपी से बाहर है उनके हमने दिशा निर्देश सभी अधिकारियों को दे दिए सर कि सितंबर के जो सड़कें हमारी वर्षा ऋतु के अंदर जो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं उन सड़कों का हम लोग चाहते हैं कि सितंबर से लेके 1 सितंबर से शुरू करें सर और दिवाली तक उस सभी जो हमारी सड़कें जो क्षतिग्रस्त हुई हैं जो हमारी पैचेबल सड़कें हैं उनको हम पैच वर्क से सर पूरा कर दें। तो निश्चित तौर पर सर बिल्कुल सड़कों का आपके दिशा निर्देश अनुसार बहुत ही आगे राजस्थान में बढ़ा है और ये चर्चा कोई राजस्थान ही पूरे भारतवर्ष के अंदर सर चर्चा है, अन्य प्रदेश के लोग भी मिलते हैं तो राजस्थान की सड़कों की सर तारीफ करते हैं। राजस्थान आपके दिशा निर्देश अनुसार हर क्षेत्र में सर आगे बढ़ रहा है पर सड़कों में भी एक मॉडल राजस्थान में बनके तैयार हो गया सर। और सर ये आज लोकार्पण और शिलान्यास सर हैं सर इनके लिए पूरी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना सर। और ये जो सड़कें हैं हम समय पर जो हमें जिम्मेदारी दी है सर इसको हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी राजस्थान की जनता को ये सड़कें समर्पित हों जिससे राजस्थान की जनता को लाभ मिले सर। जय हिंद।